और सरकारी स्वामित्व को बैंक हुनुको नाताले बैंकले सरकारी कारोबार समेत सुरु गरेको छ। आगामी दिन में सरकारी कारोबारलाई अझ फराकिलो बनाउँदै स्थानीय निकायमा बैंकिङ सुविधा को पहुँच अभिवृद्धि गर्न बैंक प्राथमिकता का साथ अघि बढिरहेको छ। देश में उत्पन्न ऊर्जा संकटलाई मध्यनजर गर्दै जलविद्युत क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई लगानी गर्न सुरु गरिएको छ। हालसम्म सहवित्तीयकरण अन्तर्गत 180 मेगावाट उत्पादन क्षमता का 7 वटा जलविद्युत उत्पादन परियोजना में झन्डै 2 अरब 32 करोड़ को एक्सपोजर लिमिट यस बैंकबाट स्वीकृत भएको छ। हाल यस बैंकको कुल कर्जा मध्ये कृषि कर्जा को अंश करीब 33% रहेको छ। युवाहरुको लागि 5% ब्याज अनुदान सहित को व्यावसायिक कृषि कर्जा में चालू आर्थिक वर्ष को पहिलो त्रैमासिकसम्म में करीब 1 अरब 37 करोड़ 54 लाख कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। यस आर्थिक वर्ष में रु 3 अरब अनुदान सहित को व्यावसायिक कृषि कर्जा प्रवाह करने लक्ष्य रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 74-75 को अंत्यसम में व्यवसाय को आकार में वृद्धि करते कर्जा तथा सापट में 11% वृद्धि करी करीब 1 खरब 2 अरब 92 करोड़ पुर्याने र निक्षेप संकलन में 14% वृद्धि करी 1 खरब 13 अरब 86 करोड़ पुर्याई तोकिएको कर्जा पूर्जी निक्षेप अनुपात भित्र रहने गरी र बैंक को खुद नाफा वृद्धि करते लग्ने योजना अनुसार बैंक का व्यावसायिक गतिविधि अगाड़ी बढ़ाइएको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 में बैंक ने 2 अरब 26 करोड़ संचालन मुनाफा तथा रु 4 अरब 23 करोड़ खुद मुनाफा र कर पछि को खुद मुनाफा रु 2 अरब 57 करोड़ आर्जन गर्न सफल भएको छ। यस्तै गत वर्ष को तुलना में 11.26% सामा असुली 13.42% ब्याज असुली 17.66% तथा निक्षेप संकलन में 13.48% वृद्धि भएको तथ्य यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।